हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। बाप जी बाप जी, बहुत खूबसूरत फिल्म बन रही है और आज बाप जी का हम लोग अंतिम क्रिया काम कर रहे हैं। बड़ा सैड मूड है और सारे लोग पूरा इन्वॉल्व है। थोड़ी पब्लिक का सेंस है और अच्छा, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ आपको देखने के लिए, कैसा लगता है गाँव में? अशोक भाई, इसकी आदत हो गई है, लेकिन पुलिस लोग हैं, थोड़ा संभाले हुए, वरना इतना काम संभाल नहीं सकता। कैसा लगा इस शहर में आकर आपको? बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह है, फिल्म बहुत खूबसूरत बन रही, सबसे बड़ी बात। देव पांडे जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देव पांडे मजे हुए डायरेक्टर है और ये उनकी खेसारी के साथ तीसरी फिल्म बन रही है। कई फिल्म दूसरे लोगों के साथ कौन सी रवि किशन साथ बन रही है, गुड डायरेक्टर, वो अपना काम जानता है। खेसारी लाल के साथ आपने काफी टाइम के बाद काम किया, कुछ कहेंगे उनके बारे में? नहीं, खेसारी के साथ कभी मैंने वो फिल्म की थी, बहुत बढ़िया फिल्म बनी होगी, उसमें मैंने डबिंग भी कर दिया है, रजनीश मिश्रा उसकी डबिंग कर दिया है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। कुछ उनके बारे में खास जानकारी जो किसी को पता नहीं हो, क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव क्या बोलूं, सबसे बड़ी चीज बोलूं मैं, बहुत शुरू से उस वक्त उतने मजा कलाकार नहीं थे, लेकिन आज की तारीख में इस पिक्चर में जो सीक्वेंस किया है, हेड्स अप गुड बॉय, क्या खूबसूरत काम किया है। आप देखेंगे कि वो एक सिक्वेंस है, तिलक चढ़ रही है, क्या ड्रामा किया है इस आदमी ने, क्या खूबसूरत दारू पी के, वाह बिल्कुल। और एक ड्रामा है जब बाप मरा है, घर में लाश है, लाश मतलब बहुत खूबसूरत। अभी आप दबंग 3 में सलमान खान के साथ नजर आए थे, कुछ कहना चाहेंगे उस सिनेमा के बारे में? दबंग 3 में था मैं, कुछ थोड़ा सा उसमें रह गया, बाकी काफ़ी कट गया है, लेकिन ठीक है, बड़ी फिल्म है वो, बड़ी फिल्म अपने अंदाज में बनती है, वहाँ कोई पूछ नहीं सकता कि आप हमारा काम क्यों काट दिए, जितना है अच्छा। अभी इसके बाद कौन से फिल्में करने वाले हैं? अभी इसके बाद मैं जा रहा हूँ पवन सिंह, उल्टा घुमा जिस पार पे है तो उल्टा घुमा उसको, ना भैया जगदीश शर्मा जी की फिल्म है, बड़ी खूबसूरत फिल्म बन रही है। दूसरा कैमरा उतारो क्रेन से, लाओ पूरा एक अलग ही रूप लो पवन सिंह का देखेंगे। पवन सिंह के चाचा के नाम से हम इंडस्ट्री मशहूर हैं, कितना अच्छा लगता है आपको सुन बात सुन के? अब तो अभी नहीं, पूरी इंडस्ट्री चाचा बनने लगी है, क्या बोले, ठीक है। हाँ, पवन सिंह ने चाचा बना दिया, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के नेहरू चाचा आप हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। मनोज भैया गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? नमस्कार भैया, बहुत अच्छा हूँ। बहुत क्राउड आपके पीछे के लग रहा है, क्या हो रहा है? फिल्म का क्लाइमेक्स शूट हो रहा है बाप जी का। बाप जी लग रहा है, कुछ स्पेशल टाइटल नजर आ रहा है। मैं ही बाप जी हूँ, क्या बात कर रहे हैं, खेसारी का बाप बना हूँ। वाह वाह, मतलब खेसारी जी के भी बाप बन गए आप? उम्र हो रही है ना बाबा। अच्छा, और जरा एक एक्टर को वह स्टाइल होना चाहिए, हाँ, उसे हर तरह की किरदार करनी चाहिए। आप कितना कंफर्ट महसूस किए बाप बनने में? क्या बोल रहे हैं आप, कितना कंफर्ट महसूस कर रहे हैं बाप बनने में खेसारी लाल का? मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है और इतना चैलेंजिंग रोल में कर रहा हूँ तो मुझे और मजा आ रहा है। हाँ, मेरा बुलावा आ रहा है, हाँ, मैं इंटरव्यू देके आता हूँ। जी जी, अरे मतलब शूट करके आता हूँ, इंटरव्यू। ठीक ठीक है, तो ये थे मनोज टाइगर जो इस वक्त बाप जी की शूटिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं सारा क्राउड है, पीछे नदी है और नदी में मनोज टाइगर जी हमारे साथ हैं और जो हम जानते हैं क्या कुछ कर रहे हैं आजकल इस सिनेमा में। अब ये सिनेमा का आज क्लाइमेक्स है। हाँ, और मनोज जी सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप 20 साल के लगते हैं खेसारी लाल यादव के बाप बन गए हैं। 20 साल का लगता हूँ? जी जी यार, ये तो थैंक यू, तो कॉम्प्लीमेंट है। देखो संजीव कुमार यंग एज में भी बाप बनते थे। अच्छा, तो ये तो बड़ी बात है कि अगर मुझे इस उम्र में हर तरह का किरदार करने को मिलता है। जानते हैं क्यों मैं बोला? हाँ, तो बाल काले हैं। ये अंदर से सफेद हैं। अच्छा, बाहर से तो काले हैं, अंदर सफेद हैं।
और ये ब्लू कलर का जो जैकेट है भी खूबसूरत लग रहा है। ब्लू कलर के जैकेट के अंदर कुछ और है। अच्छा, इसे खोलूंगा तो अभी देखिए असली ड्रेस आ जाएगा। ठंड के मारे कांप रहा हूँ। अच्छा, इसलिए बाबा ऐसा किया हूँ आज यहाँ पर एक चिता जलेगी और इस तरह का एक बेहतरीन किरदार है। कई फिल्में खेसारी जी के साथ की है, लेकिन ये सिनेमा क्या कुछ खास दिया? भाई देखो, मैंने खेसारी के साथ बहुत काम ज्यादा नहीं किया, 5-6 फिल्में की, पर ही इज वेरी फैंटास्टिक एक्टर। बहुत मैच्योर हो चुका है बंदा। किस तरह से शुरुआत किया था अभी, जैसे आप दिनेश जी परिपक्व हो गए हैं, तो अभी खेसारी लाल यादव परिपक्व एक्टर हो गए। कॉमेडी कराइए, सीरियस कराइए, और यार सेट पे ऐसा बंदा ऐसा रहता है हम लोगों के साथ, मजा आता है काम करने में, कोई टेंट्रम नहीं, तो खेसारी के साथ काम करने का अनुभव लगा। ये पब्लिक वाला सब आपको बतासा चाचा क्यों बोल रहा है भाई? हम तो जगत बतासा चाचा है। अच्छा। हम तो पहले फिल्म से बतासा चाचा हो गए। अच्छा, निर्माण वाले बतासा चाचा थे। हाँ। बस बतासा चाचा हो गए। बतासा पार्ट टू भी बन चुका है। बतासा चाचा पार्ट टू, बतासा चाचा पार्ट वन, बतासा चाचा पार्ट थ्री भी बनेगी। क्या बात है, नया आपने न्यूज दे दिया। तो आज ये देख रहे हैं गंगा किनारे, बचपन में कुछ यादें आ रही है आपको? भाई बचपन की यादें तो बहुत हैं, गंगा किनारे, नदी किनारे नहाना धोना, पर ये अलग ही अनुभव है। अलग ही अनुभव है। आज नहाए हैं? आज सुबह बनाया हूँ गर्म पानी से होटल में। अच्छा, आज सुने हैं कि आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्या कुछ चल रहा लाइफ में जरा बताओ? मैं बड़ा मोटा ज्यादा हो गया हूँ, दुबला होना है। ये देखिए धोती में भी। हाँ, मैं 2 महीने में 8 किलो वजन कम किया हूँ। इस साल 2020 में मैं 20 किलो वजन कम करूंगा। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ। ये राय किसने दी आपको? मुझे मेरे डॉक्टर ने राय दिया। अच्छा, उन्होंने कहा आपको दुबला होना जरूरी है। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ, फिर आता हूँ, योगा करता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मैं बिना तेल की सब्जी और मल्टीग्रेन आटा का रोटी खाता हूँ। दोपहर में भी दाल चावल खाली खाता हूँ, शाम को फिर खिचड़ी खाता हूँ, यही मेरा खाना है। चलिए भगवान करे जल्दी से 52-53 किलो हो जाए। हम आते हैं डायरेक्टर के ऊपर, देव पांडे जी फिल्म के डायरेक्टर हैं। देव पांडे इज वेरी फैंटास्टिक डायरेक्टर, मजेदार डायरेक्टर है, दोस्त है अपना, यारा है, मजा आ रहा है उस आदमी के साथ काम। ब्रजेश जी भी हैं, प्रकाश जैस भी आपके खास मित्र। देखिए, प्रकाश जैस एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है, बेहतरीन कॉमेडियन है। ब्रजेश भैया के बारे में क्या कहना, वो तो विश्वतामा है हमारी भोजपुर इंडस्ट्री के। हम लोग जब पैदा नहीं हुए थे तब से वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे अनुभवी लोगों के साथ काम करने का अलग मजा हो जाता है। इस फिल्म की हीरोइन ऋतु सिंह जो है वो अपनी दोस्त है और बहुत अच्छी थिएटर की आर्टिस्ट है, इसलिए ऋतु पांडे भी हैं और संजय वर्मा है, साहबलाल धारी है, प्रिंस कैमरामैन है, और जो इंटरव्यू ले रहा है ये हमारा दुश्मन है एक नंबर का, संजय पॉलीवुड, सॉरी गलत बोल रही, संजय भूषण पटियाला है। इस जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है ये आदमी हमारा एक नंबर का दुश्मन है, दुश्मन दोस्त, इसका नाम है संजय भूषण पटियाला। लव यू संजय भाई, धन्यवाद। अच्छा, ये हम चाहते हैं आप इसमें जरा नहा ले जरा पानी में कूद के। हाँ, तुम चाहते हो ना कि मान लो अभी 2-4 साल और काम 10 साल करना, नहीं करूँ, रहो रखो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, थैंक यू सर। तो ये मनोज टाइगर थे जो काफी देर से हम लोग को फिल्म के बारे में जानकारी दिए और क्या कुछ नया करने वाले उसके बारे में भी दिए। अब मैं दूसरा कुछ जानकारी दूंगा थोड़ी देर के बाद, थैंक यू। वैसे खड़े रहिए, खड़ा जिस घड़ा में पानी लाएंगे और एक धोती तुमको चाहिए ना महाराज।
चाइल्ड आर्टिस्ट हमारे पास है, उसके बारे में जानना चाहूंगा। सीपी भट्ट जी जरा बताएं कौन है। अब देखिए, अगर मुझे छोटा कर दीजिए कि छोटा सीपी भट्ट हो जाएगा। ये वो अपना नाम बताओ। नमस्ते, मैं राजवीर तिवारी। अच्छा, तिवारी जी, मनोज तिवारी के रिलेटिव है आप। अब तिवारी हैं तो होंगे। अच्छा, ये होता बेटा कि मतलब कैसे इतना अच्छा बॉडी बनाया, कैसे मतलब क्या खाते हो? बच्चे ने बॉडी बनाई नहीं अभी तक, वो खुद में। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? थर्ड में। अच्छा, भोजपुरी हम लोग गांव में एक सवाल पूछ रहा है। अच्छा बेटा, एक साल के थे तो एक पापा थे, और चार साल के हो कितने पापा हुए? ये सीपी भट्ट के गोल गोल सवालों में गुम हो जाएगा। ये इनका कहने का मतलब है बेटा कि आप हमेशा जाते हो तो आपके पापा चेंज हो जाते हैं सिनेमा में। उस हिसाब से हर फिल्म में अलग अलग पापा तो आजीवन एक ही रहेंगे, डोंट वरी। और ये सिनेमा की भाषा में पूछ रहे हैं कि अब तक आपने कितने मतलब फिल्मों में काम किया होगा? छठी। तो इसका मतलब छह बार इसके इनके पेरेंट्स बदल गए हैं। सिनेमा के पेरेंट्स अलग होते हैं और रियल लाइफ में अलग होते हैं। और ये बच्चा बहुत ही बढ़िया इन्वॉल्वमेंट के साथ काम कर रहा है, बेवाक जवाब दे रहे हैं और मतलब हाजिर जवाब दिया है। हम जब छह साल के थे तब से हम सिनेमा में किए थे। अब कितने साल के हो गए? अभी तो 9 साल हो गए, 3 साल हो गए। लेकिन बेटा पढ़ाई पे उतना ही ध्यान देना है जितना सिनेमा पे है। कितना मजा आता है सिनेमा करने में आपको? अच्छा भी लगता है, बहुत लोग से मिलने के, यहाँ पे पूरा परिवार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, पूरा परिवार के साथ ये लगता है कि परिवार अपना ही है, क्योंकि यहाँ पे वो मजा है जो परिवार के साथ ही आता है। क्या बात है। ये आप बच्चे के भाव के समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कम शब्दों में इसने बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया। खेसारी लाल से आपने मिला कभी? हाँ, हम लोग राजा नील पानी की शूटिंग कर रहे थे बनारस में, तब हमने मिला था उनसे। तब मैं भी उनकी फिल्म देखा था, साजन चले ससुराल, उसमें उनका एक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ज्यादातर मैं उनकी फिल्म देखता हूँ। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? सब लोग कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, क्या क्या बनेगा, लॉयर बनेगा, लेकिन कोई ये कहता है कि एक्टर बनेगा? क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। फिर तुम क्या बनोगे? लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है और राजवीर का सीन। अभी राजवीर किस किस क्लास में है आप? अभी तुम थर्ड में। और किस स्कूल में पढ़ते हैं? ग्लोरियस कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, फिर आपके फेवरेट टीचर का नाम बताइए। अभिषेक सर। हम फीमेल में मेरा शॉर्ट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू। संजय भूषण जी, आप लोग आते रहिए सेट पे, आप लोग आते हैं तो फैमिली पूरी हो जाती है, हमारी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचती है। कमीना प्रसाद जी की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार, हम सभी की तरफ से नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.